ओके तो हेलो एवरीवन, अभी लर्निंग मार्केटर में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज का देख लेते हैं आज क्या हो सकता है, क्योंकि कल मार्केट क्रैश हुआ था और सबका सब इंडेक्स वगैरह सब गिर गया था। ओके, और यूएसए मार्केट पूरा कंटिन्यू गिरा, फिर इंडियन मार्केट कंटिन्यू गिरा। कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था किसी का कि मार्केट इतना ज़्यादा गिर जाएगा। ओके, कोई भी एक्सपेक्टेशन ना ही कोई यहाँ पर, क्या यहाँ पर डाटा जो अपडेट था प्रीवियस डे का, वो भी यहाँ पर क्या नहीं था कि ऐसा इतना ज़्यादा मार्केट गिर जाएगा। ओके, बट खैर आज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अभी क्या है कि आज फ्राइडे है, तो यहाँ पर देखने वाली ये बात है फ्रेंड्स की पोजीशन जो लोग है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, अभी भी यहाँ पर इधर लॉन्ग करके बैठे हैं। बट FIA ने क्या किया है, शॉर्ट किया है फ्यूचर इंडेक्स को, अभी भी शॉर्ट किया है, कल भी शॉर्ट किया है, आज भी शॉर्ट करके रखा। ओके, बट यहाँ पर क्या कि रिटेल ट्रेडर से कोई मतलब नहीं है, बचा DI ट्रेड। DI ट्रेडर ने थोड़ा वो शॉर्ट करके रखा है, तो DI ट्रेड का उतना मतलब नहीं है। FI एंड प्रो ट्रेड सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो पोजीशन ये लोग ने क्या किया, यहाँ पर बाय भी किया एंड सेल भी किया है। ठीक है, एंड इससे पहले एक दिन पहले क्या किया था, इन लोग ने पोजीशन क्या हुआ एग्जिट किया था, यानी शॉर्ट भी किया था। एंड उससे पहले भी यहाँ पर इन लोगों ने पोजीशन शॉर्ट करके रखा था, यानी कंटिन्यू आप देखेंगे 3 दिन से मार्केट गिरी रहा है, जिसके वजह से सब लोग ने शॉर्ट करके रखा है, वो भी कॉल को। ओके, करेक्ट। एंड प्रो ट्रेडर क्या करा, प्रो ट्रेडर यहाँ पर कुछ पोजीशन एग्जिट किया, फिर कल कुछ पोजीशन एग्जिट किया, अभी भी इसका पोजीशन कुछ अभी यहाँ पर बाकी है, 23,000 कुछ पोजीशन इधर इसका बाकी है प्रो ट्रेडर का। तो आज भी मार्केट क्या हो सकता है, अगर गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या है, गैप डाउन अगर ओपन हो जाएगा तो इन लोग का जो शॉर्टिंग वाला पीरियड होता है, स्टार्टिंग होता है, वो पूरा हो जाएगा, तब बुलिशनेस होगा। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो फिर मार्केट किस डायरेक्शन ओपन होगा, यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। करेक्ट, मैं आपको और थोड़ा यहाँ पर आपको बताता हूँ। एंड फ्यूचर स्टॉक में भी सेम ही कंडीशन है, जिससे इंडेक्स का है सेम स्टॉक में होना चाहिए। करेक्ट, एंड फ्यूचर स्टॉक में अगर जो लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर भी कि पोजीशन ये लोग ने क्या किया, यहाँ पर प्रो ट्रेडर ने यहाँ पर क्या किया, बाई करके रखा। ओके, एंड इसमें क्या है कि FIA ने एग्जिट करके रखा, यानी पोजीशन को शॉर्ट कर रहा है किया। ठीक है, एंड DI ने लॉन्ग किया, तो DI एंड प्रो ट्रेडर ने लॉन्ग किया, बट यहाँ पर FIA सबसे ज्यादा शॉर्ट किया। ओके, तो यानी वही है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया तब तो खेल पूरा का पूरा एकदम पलट जाएगा, यानी अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर गैप डाउन ओपन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता। ओके, इन दोनों के हिसाब से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता तो मार्केट बुलिश रहेगा। करेक्ट, यानी ओवरऑल आज की मार्केट बुलिश रहेगा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। अब सेकंड कंडीशन, यहाँ पर कॉल एंड पुट की बात करते हैं, जो लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। FIA ट्रेडर दोनों तरफ से मैंने बताया था कि पोजीशन लॉन्ग भी किया है एंड शॉर्ट भी किया था। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि पोजीशन लॉन्ग भी किया है एंड शॉर्ट भी किया है। तो ये लोग क्या किया है, दोनों के दोनों ओर से पोजीशन एग्जिट कर दिया। ठीक है, जो लॉन्ग किया था उसको एग्जिट करके शॉर्ट वाला भी जो किया था उसको भी एग्जिट किया, यानी कल इन लोगों ने जो शॉर्ट किया उसके बाद पोजीशन इन लोग निकाल दिया अपना। ठीक है, तो ओवरऑल अभी भी जो इसका पोजीशन है, इसने तो एग्जिट करके रखा है प्रो ट्रेडर ने। ठीक, प्रो ट्रेडर का तो काम खत्म हो गया, बचा है FIA। FIA ने क्या किया है, अभी भी ये पोजीशन किया, अभी भी ये लॉन्ग किया है। ठीक, यानी कल भी लॉन्ग किया था, परसों भी लॉन्ग किया था और नरसों भी लॉन्ग किया था। तो यानी इसका मतलब है कि FIA के पास अभी भी इतनी क्वांटिटी है 87,000 की, यहाँ पर अभी वो प्राइस को कॉल यानी अप डायरेक्शन में ले जा सकता है। ओके, तो FIA के पास अभी इतनी पावर है कि वो प्राइस को यानी मार्केट को मूव कर सकता है अप डायरेक्शन में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लोग ने क्या किया, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो FIA डेफिनेटली मार्केट को ऊपर ले जाएगा। करेक्ट है, बाकी रहा पुट का भी सेम। अभी पुट में क्या है कि एक दिन पहले लोग पोजीशन ने क्या किया था, यहाँ पर लॉन्ग किया था। ओके, यानी मार्केट डाउन डायरेक्शन में लाया, उससे पहले कंटिन्यू ये लोग ने क्या किया, पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके रखा है, डाउन डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन, ये भी डाउन डायरेक्शन, ये भी डाउन डायरेक्शन। ओके, अब बचा ये, तो कल के नियरली क्या है कि जो कल वाला पूरा का पूरा पोजीशन ये लोग ने होल्ड कर लिया है। ठीक, पोजीशन तो एग्जिट किया बट इतना पोजीशन अभी भी इन लोग का बाकी, कि प्रीवियस डे वाला जितना पोजीशन सबका सब बाकी रखा है। ओके, यानी ये मार्केट को क्या, ये शॉर्ट शॉर्ट करके फिर भी रखा है अभी। ठीक, बट पुट का उतना मैटर नहीं है, कॉल में इतना मैटर कर रहा है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अब रही बात यार फाइनल की, तो फाइनल में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग करके यहाँ पर प्रो ट्रेडर लॉन्ग किया है, अभी भी लॉन्ग किया प्रो ट्रेडर ने, FIA भी लॉन्ग किया है, तो FIA तो मार्केट ऊपर ले जाएगा, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर भी है। बट यहाँ पर पूरा पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि FIA क्या करेगा, मार्केट को जरूर ऊपर ले जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होता है। सेम यही है पर लॉन्ग साइड में क्या है, लॉन्ग साइड में सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर लॉन्ग साइड में है कि शॉर्ट टाइम में क्या है कि शॉर्ट भी किया, पुट साइड इसने क्या किया, यानी पुट साइड ने शॉर्ट किया, इसका मतलब मार्केट बुलिश। ओके, तो
सिंपल सा आपको वेट करना है, दो डायरेक्शन आपको समझना आज का, कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन रहता है तो आप बुलिश के लिए प्लान कर सकते हैं थोड़ी देर वेट करके, ठीक। एंड अगर मार्केट गैप ओपन हो जाता है तो फिर वहां पर कोई भी कंडीशन ये वर्क नहीं करेगा, ओके। ओवरऑल यही कहना है।